हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि होली आने वाली है और मुझे यकीन है कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर कहीं ना कहीं होली से रिलेटेड होली इमेज कैसे हम क्रिएट करें इस तरह की आप एप्लीकेशन वहाँ पर सर्च कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर जो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को लगभग हज़ारों एप्लीकेशन वहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर जो आप उसको यूज़ करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार ये इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और इसको यूज़ करना तो बेफालतू टाइम की बर्बादी रही, क्योंकि हमें वहाँ पर जिस तरह से हमें अपनी इमेज को क्रिएट करना है या फिर किसी को मैसेजेस वगैरह अगर जो भेजने हैं तो वो जो हमें चाहिए वो वहाँ पर मिल ही नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिनको यूज करने के बाद आप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर वॉलपेपर यहां पर सेट किया हुआ है। अगर जो आप लोग इस तरह के अभी अगर जो अपने इमेज को इफेक्ट देना चाहते हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक क्लिक किया और एक क्लिक करने पर यह हमारी जो इमेज है वो यहां पर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हम कैसे अपनी इमेज को यहां पर होली इफेक्ट दे सकते हैं हम ये भी सीखेंगे। और यहां पर जैसे कि हम अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों को जो होली के जो मैसेजेस होंगे वो भी हमें शेयर करने ही होंगे, तो किस तरह से हम वो सब भी हम शेयर कर सकते हैं एक एप्लीकेशन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर दोनों के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, दो एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर जो आप लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो आपने अभी तक अपना कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर लगभग 400 वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर किसी भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पर है यह है हैप्पी होली ग्रीटिंग विद नेम। अगर जो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन है ये हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अगर जो हमें किसी को इमेजेस वगैरह अगर जो भेजने हैं, शायरी वगैरह अगर जो भेजने हैं तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर जो हमें उसमें अगर जो केवल अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं केवल फ़ोटो भेजें अगर जो हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो ही यहाँ पर मिलती हैं, जो फ़ोटोज़ हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आप लोग अगर जो इनको भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर भेज सकते हैं, यहाँ पर ढेरों यहाँ पर हमें इमेजेस यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। अगर जो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फ़ोटो और मैसेज अपने नाम के साथ भेजें, अगर जो हम यहाँ पर नाम के साथ में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर हम अपना यहाँ पर नाम टाइप कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर ले लिया आकाश। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एडवर्टाइज आ चुका है तो मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कई सारी इमेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जिस किसी को भी हमें चूज़ करना है उसको फर्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इमेज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पर शायरी भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी शायरी है, यहाँ पर भी शायरी है। अगर जो हमें यह पसंद नहीं आ रहा है दूसरी अगर जो कोई चीज़ तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा नीचे यहाँ पर नाम भी आ जाता है। अगर जो हमें इसका अगर जो साइज़ अगर जो कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हम यहाँ पर कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम और भी जो भी हमें पसंद है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ढेरों सारे यहाँ पर हमें इमेजेस मिल जाती हैं, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर जो मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सेंड इस पर क्लिक करूँगा। सेंड पर क्लिक करने के बाद हमें कहाँ पर शेयर करना है तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कहीं पर भी अपनी जो इमेज है उसको यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। इसका यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसका एडवर्टाइज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर जो आप लोग इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या फिर इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी लिखना होगा कैप्शन में आप लोग लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारी जो इमेज है कितनी अच्छी, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी दूसरी एप्लीकेशन में इस तरह का कोई भी ग्रेटिंग हम क्रिएट कर सकें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कितना अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कितनी हाई क्वालिटी में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एप्लीकेशन मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है। मैं यहां पर आप लोगों को पहले ही बता दूं मैं यहां पर कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एप्लीकेशन काफी अच्छी है इसके लिए मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। तो यह तो रहा कि ग्रेटिंग हम कैसे भेज सकते हैं, लेकिन अगर जो हमें अपनी इमेज अगर जो क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें यहां पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। इसका लिंक इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं। तो जो फोटो लैब है इसको मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं। इसको ओपन होने में यहाँ पर थोड़ी टाइम यहाँ पर लेगा, ये लोड हो रही है तो थोड़ी सी हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं।
यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है हमें यहाँ पर बता रहा है कि 3 दिन तक हम इसे यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर हमें बताएगा कि किस तरह से हमें इसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कुछ में यहाँ पर ट्रेंडिंग पर जाते हैं, जो ट्रेंडिंग इमेजेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है रिसेंट पर जो हमने यूज की हो, जो अभी जो रिसेंट में जो इमेजेस जो क्रिएट हुई हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग वैसे तो अपने हिसाब से कोई भी इमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए हॉली इफेक्ट वाली। तो हम यहाँ पर सर्च पर जाएंगे और हम यहाँ पर सर्च में यहाँ पर टाइप करेंगे हॉली। अगर जो हम यहाँ पर हॉली टाइप करते हैं तो यहाँ पर उसके बाद अगर जो हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हॉली से रिलेटेड हमें यहाँ पर इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं जैसे ये 336 पोस्ट यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर हॉली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कई सारी इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो भी जिस प्रकार की इमेज हमें यहाँ पर सेट करनी हो, जिस प्रकार की इफेक्ट हमें अपनी इमेज को देना हो, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को यहाँ पर पसंद आती है, यहाँ पर कई सारे इमेज, यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कोई एक अच्छा समय यहाँ पर ले लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर जो हमें ये वाला चाहिए तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे यहाँ पर परमिशन मांग रही है तो मैं यहाँ पर अलाउ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर नीचे गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पर अपनी गैलरी से यहाँ पर कोई भी एक इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर फिलहाल कोई हाल ही की कोई इमेज तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पर ली तो मैं यहाँ पर जो ये आइकन है इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइज आ चुका है, मैं इसको यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे गेटिंग रेडी, जो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर रेडी रेडी होने वाली है। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारी जो इमेज थी आपने देखा होगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर हट चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। इसके बाद जो हैप्पी होली है, इसको हम जो ये टेक्स्ट है इसको हम अपने हिसाब से कहीं भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर साइड में रख लिया। इसके बाद जो ये टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ पर इधर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारी इमेज यहाँ पर जो बैकग्राउंड था, जो टेक्स्ट था साइड में, वो सारा का सारा हट गया और हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल कितनी परफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हमारी इमेज सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अगर जो हमें इसे शेयर करना है तो हम यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करेंगे। अगर जो डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो एडवर्टाइज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस जो इमेज है इसको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। व्हाट्सएप चूज़ करने के बाद जहाँ पर भी हमें जो इमेज है उसको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। इसका यहाँ पर जो कैप्शन में जो इसका जो एडवर्टाइज है, अगर जो हम यहाँ पर हटाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ भी अगर जो टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो हमें इसे भेजना हो तो हम यहाँ पर भेज भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2 इमेजेस मैंने यहाँ पर क्रिएट की और यहाँ पर भेज भी दी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला होगा। और अगर जो आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टिक्स चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टिक्स चैनल। थैंक्स।